नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर संजीत आज आप लोगों के लिए फिर से हाउस प्लान लेके आया हूँ। दोस्तों आपको बता दें, जो हमारा प्लान है हमारा 24 फीट बाई 32 फीट का हाउस प्लान है, और नॉर्थ फेस का हाउस प्लान है और ग्राउंड फ्लोर का हाउस प्लान है। इस प्लान में हमने 3 बेडरूम दिया हुआ है, लिविंग एरिया दिया हुआ है, डाइनिंग दिया हुआ है, किचन दिया है, पूजा दिया है, टॉयलेट और स्टेयर दिया हुआ है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सिविल इंजीनियर संजीत चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको प्लान अच्छे समझ में आए। तो चलिए आपको इस प्लान के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर हमने नॉर्थ फेस लिख दिया हुआ है, जो हमारा प्लान है हमारा नॉर्थ फेस का, इसलिए हमने यहाँ पर नॉर्थ फेस लिख दिया हुआ है। यहाँ पर हमें वेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर साउथ, तो इस साइड में जो है ये ईस्ट फेस रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारा मेन डोर पड़ता है, मेन डोर से हम एंटर करते हैं। सबसे पहले हमारा लिविंग एरिया पड़ता है, जो लिविंग एरिया का साइज है 10 फीट 8 इंच बाई 9 फीट 9 इंच का हमारा लिविंग एरिया पड़ता है। आप चाहे तो इसे गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ पे बेडरूम नंबर 1 पड़ता है हमारा। बेडरूम नंबर 1 का जो साइज है ये 11 फीट 5 इंच बाई 9 फीट 9 इंच का हमारा बेडरूम नंबर 1 पड़ता है। बेडरूम नंबर 1 के बगल में आपने एक पूजा रूम दे दिया हुआ है, जो कि 6 फीट बाई 4 फीट का हमने एक पूजा रूम दिया हुआ है। पूजा रूम के बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने किचन दिया हुआ है। किचन का जो साइज है 6 फीट 6 इंच का हमने यहाँ पे किचन दिया हुआ है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे डाइनिंग हमने दिया हुआ है, जो हमारा डाइनिंग एरिया है इसका जो साइज है 10 फीट 6 इंच बाई 10 फीट का हमने एक डाइनिंग एरिया दे दिया हुआ है। और यहाँ पे हमने एक स्टेयर दे दिया हुआ है। स्टेयर का जो हमारा साइज है ये 5 फीट बाई 9 फीट का पूरा यहाँ से यहाँ तक स्टेयर है। आपको बता दें हमारा स्टेयर का अप है और ये हमारा स्टेयर जो ये हमारा डाउन है। यहाँ पे जो लैंडिंग बचता है, यहाँ पे जो चौकी बचता है, इसके नीचे हमने एक 5 फीट बाई 3 फीट का हमने टॉयलेट दे दिया हुआ है। इस प्लान में हमने सिर्फ एक ही टॉयलेट दिया हुआ है, जो कि हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप देखेंगे तो बेडरूम नंबर 2 पड़ता है हमारा। बेडरूम नंबर 2 का जो साइज है ये 10 फीट 8 इंच बाई 9 फीट 9 इंच का हमने बेडरूम नंबर 2 दिया हुआ है। अब बेडरूम नंबर 2 के बगल हमने बेडरूम नंबर 3 दे दिया हुआ है, जो कि 11 फीट 5 इंच बाई 9 फीट 9 इंच का हमारा जो है बेडरूम नंबर 3, यानी बेडरूम नंबर 3 का जो साइज है बड़ा है। तो ये था हमारा प्लान। अब आपको हम बताते हैं इसमें कॉलम हमने कहाँ कहाँ दिया हुआ है। तो कॉलम आप देखेंगे यहाँ हमने कॉलम दिया हुआ है, यहाँ हमने कॉलम दिया हुआ है, यहाँ हमने कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पर हमने कॉलम दिया है, यहाँ पर हमने कॉलम दिया हुआ है। इस प्लान में यहाँ पर हमने कॉलम दिया है, यहाँ हमने कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पर हमने कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पर हमने कॉलम दिया हुआ है, यहाँ कॉलम दिया हमने, और यहाँ पर और लास्ट कॉलम हमने यहाँ पर दिया हुआ है। अब आपको बता दें कि जो वॉल थिकनेस है, ये जो वॉल थिकनेस है कितने इंच की है, और ये जो पार्टीशन वॉल है ये कितने इंच की है। तो ये जो हमारा आउटर वॉल है, ये हमारे जितने भी आउटर वॉल हैं ये 9 इंच के हैं, ये भी 9 इंच का है, ये भी 9 इंच का है, और ये भी 9 इंच का है। हमारा जो आउटर वाले ये 9 इंच का है। ये जो हमारे पार्टीशन वाले हमने 6 इंच के पार्टीशन वाल दिए हुए हैं, सब पार्टीशन वाल 6 इंच के हमारे हैं। ये भी 6 इंच का है, ये भी 6 इंच का, और ये भी 6 इंच का। प्लान में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने विंडो दे दिया हुआ है, यहाँ पर हमने विंडो दे दिया हुआ है, यहाँ पे W1 विंडो दिया है, यानी हमारा छोटा विंडो रहेगा ये। और पूजा रूम में हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, तो आप चाहेंगे तो यहाँ पे वेंटिलेटर एक दे सकते हैं, यहाँ पे वेंटिलेटर या विंडो आप एक दे सकते हैं छोटा सा। यहाँ पर हमने विंडो दिया हुआ है। तो ये सब हमारे जो डब्ल्यू है हमें सब विंडो है हमारे। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे वी एम में लिखा हुआ है, ये हमारा वेंटिलेटर है जो कि टॉयलेट में हमने दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा डब्ल्यू ए भी हमारा विंडो ही है। बात करते हैं डोर का, तो आप डोर देखेंगे तो मेन डोर का जो साइज है हमारा सबसे बड़ा है, उस यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमने मेन डोर का जो साइज है 4 फिट दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप डोर लगा सकते हैं या ना भी लगाएंगे चलेगा, यहाँ पर हमने डोर नहीं लगाया हुआ है। इसका जो साइज है डोर जो है ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हमने डोर दिया हुआ है डी, और ये हमने D1 डोर दिया है, यानी हमारा छोटा डोर है और ये बड़ा डोर है। यहाँ पर हमने डोर दिया हुआ है, यहाँ पे डोर है हमारा प्लान में, यहाँ डोर है, और यहाँ पे भी हमने D1 डोर दे दिया हुआ है। तो ये था हमारा प्लान आज का, जो कि 24 फीट बाई 32 फीट का हाउस प्लान था और नॉर्थ फेस का हमारा हाउस प्लान है। अगर आपको प्लान पसंद है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।